به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش تقريب نفس تقرير پیش کرون من تقرير عنوان چو مرن پت برد قیام تبع آخرت ایتا کاش چطری زانان تمانان کی یست دنیا سن پاد گو تیمش اکنات اکتا ضرور مارون لیکن کنی تورس مش چنی کاش کسی معلوم تی نئے کا معلوم کرد کی مرن پت کیا آج تی کیا گر یہ کاش چطری بالا تعالیٰ سے بیتن سن پیغم میں پتا یو مس آم انسان تم تھی کاش گرم اللہ تعالیٰ سے تو ہر پیغم میں چھت پنی پنی وقت پنی سکومت بے پنی امت یا گھوم اصل پر ونموت کی مرن پت کمن کمن منزل مشوتا گزرور اسن گندا اسن کی اسن تو یمن پر فرزاد تھا اس امر چھکنا
और एक हदीस में शामिल की एक साहब अरज अल्लाह तआला अनान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरज अरज तुहा की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर कर बन मखलूक दुबाजन क्या ए मिछवा दुनिया मकान शानी तो मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना की क्या दशवा मुशमत में कुम जमीन यूस मरजात खशक आजमा ताकर आज निकाह के सबदार और साहब रजी अल्लाह तआला ना चक अरज कराम की हां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी मुशमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना की शाह की दुबार दिन गत छी है मिसाल अल्लाह ताला कर ऐसा पर पन मखलूक दुबार दिन और एक हदीस में शामो की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ की आयत फरमत यौमाइज यौ तहदिसु अखबारहा यानी कि जमीन से कह कायम तो खबर बयान फरमाओ सहाबा तू समझो आई नुक मतलब क्या छ सहाबा रजल्लाहु तआला अना छ अरस दरान की अल्लाह ताला ते बिदिन से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छ जा जान वो और आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाओ नक इरशाद की एवं मतलब छ की जमीन से कह खबर बयान की फलान बंदन या फलान बंदी फलान वक्त कुछ अमल छ मैं पेश करमो और एक हदीस में शामा की एक हदीस में शामा की आख शख्स का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत में और अर्ज करा की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शकी गुलाम जिम्मे वरे जा शरारत चखाला जिम्मे वरे जा अपुच मना जिम्मे अमानत खयान च करा जिम्मन कुसूर पे तो तुमन पर खफा छु जता तुमन छु झुलायान तुमन छु झुशरारत करा तुमन छु झुसतावा एवो क्या अंजाम है कयाम तुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शिकायत तो ठीक ठीक इंसाफ करन बोल अगर जो इन सजा तमन कुसूर बराबर हो न मेरे तके न मेल तमन की अगर वो जो इन सजा और जात तमन कुसूर है काम तेरे तमन हुन बदला ते हक में देन अगर वो तुम कुसूर है काम तो जो इन सजा और जात तेरे तमन हुन फाजल ते हक में देन और हदीस शरीफ में शाम की ये मन वो अच्छा तो लोग बड़ा जात रहते और अर्ज करा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजना जो है ठीक है बकर दूर और बिस्मत तो गवाह था कि मैं गरम पानी से आजाद और ऐसे हदीस में शाम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम शख्स कुरान पाक की आयत फरमाऊमत वनजाल मवाजीन अलकफी लियोम अलकियामती फला तुजलम नफ्सी शैआ वयो कानत मिस्कार मिन हब्बति अलखर्दल वआतैना बिहा वकफा बना हासिबीन एम आयत हुन हसन जी की अल्लाह ताला से बनान की और शिकायत की कथी ठीक इंसाफ कर वो अगर कसन अमल एक दान फले से बराबर आए ते मजी दे मसावात और कसन इन ना इंसाफी करनो दूसरे से दिन ना इंसाफी करने की अशिष्ट हिसाब न मिल कैसी अल्लाह ताला दिन अस्ताफी की मर्द पाक के मुतालिक कितने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे कुरान शरीफ में नीते की सिलसिला बयान चुक फरमोमत यम दे कह कह चुक मैं माँ अमन इश्वर में इजाफ की मैंने बिना दबाया अल्लाह ताला दिन अजाद हो जाद गौर में बद अमल करने तौफीक व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह नबी जी टाइम टू एंड